क्लच प्लेटें मिनट से पहले उड़ जाएंगी। स्लीपर क्लच प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर आपने जरा सी भी गलती करी तो स्लीपर क्लच डालने का कोई फायदा नहीं रहेगा। और यहाँ गलती कर दी तो आपने जो काम किया था ना वो खत्म पूरा काम। हेलो गाइस, वेलकम टू एसएम। दोस्तों स्वागत है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों जैसे कि आपको नजर आ रही है, ये है अपाचे 310। और दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है क्लच के ऊपर। तो दोस्तों आपको पता होगा जब ये आई थी अपाचे 310 स्टार्टिंग में, तो इसके अंदर जो था नॉर्मल क्लच आता था। लेकिन दोस्तों आज की जो वीडियो है ना वो है स्लीपर क्लच। दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे दोस्तों आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ आए कि आखिरकार स्लीपर क्लच नॉर्मल क्लच के अंदर किस तरीके से फिट होता है, कैसे उसकी सेटिंग करी जाती है। तो वो सारा सारा आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तक जल्दी पहुंच सके। चलिए दोस्तों बिना देरी करें फटाफट से यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करें। और ये जो आपको कूलेंट नजर आ रहा है गिरता हुआ, ये वाला बोल्ट खोलना है, इससे क्या होगा कूलेंट पूरा बाहर आ जाएगा। और दोस्तों क्लच कवर खोलने से पहले सबसे पहले ये वाला पाइप आपको निकालना है बाहर। यहाँ पे मैंने पहले से खोला हुआ है तो ताकि आप लोगों को एक एक चीज दिखा सकूं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। और प्रोसीजर जो है क्या क्या अपनाते हैं वो सब कुछ आपको ध्यान से देखना है। तो जैसे ही आप इस चैम्बर को निकालोगे तो आपको इसके पीछे ये 4 नंबर एलिंग के बोर्ड नजर आएगा, उसको खोलना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे खोल लिया है, उसके बाद ही जो है आपका जो चैम्बर है ये पूरा पूरा बाहर आएगा। चूँकि ये देखो एक वार्सल होती है इसके अंदर, यहाँ पर होती है अपनी वाटर ड्रम की सील, उनके अंदर ये पंखड़ी लगी होती है जो कि काम करती है। इसके पीछे होती है सील, जैसे आप नज़र आ रही है, इसका काम होता है कूलेंट को रोकना, ठीक है। कूलेंट और इंजन ऑयल को आपस में मिक्स ना हो सके इसके लिए यहाँ पे सील लगाई जाती है। तो जब आप इसको खोल दोगे तो आपका जो क्लच चैम्बर है ये सारे नट खोलने के बाद आराम से बाहर आ जाएगा। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं, इसलिए मैं आपको आज पूरी डीप बाय डीप नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कोई भी लोग गलती ना करें काम करते समय, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक तो आपका भी नुकसान, दूसरा जो कस्टमर है जिनकी बाइक होती है उनका चैम्बर टूट जाता है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। जो कि मेरे पास काफ़ी सारे केस आए हुए हैं, जो कि कई लोग ये खोल लेते हैं उसका कहते हैं चैम्बर बाहर नहीं आ रहा, जब जबरदस्ती करते हो कहीं ना कहीं जो शाफ्ट दिक्कत आती है या पंखड़ी टूट जाती है। तो इसलिए आज मैं आपको डीप बाय डीप नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं क्लच चैम्बर को बाहर। तो यहाँ से चैम्बर बाहर आ जाएगा, इस शाफ्ट पे हाथ रखना है, ये देखिए थोड़ा जाम है। इसकी होती है पीछे एक पिन जो कि वो टाइट रहती है, ये देखो यहाँ पर तो चैम्बर बाहर आ गया, ये देखिए। फाइनली गाइज ये देखो, ये है स्लीपर क्लच असेंबली जैसे कि आपको नज़र आ रही है। और देखो इसकी बात करते हैं एमआरपी की, तो 5609 रुपये की इसकी एमआरपी है। और ऊपर ही आप देख सकते हो यहाँ पे जो N7070330 जो है इसका पार्ट नंबर है। तो फटाफट से इसको करते हैं अनबॉक्सिंग, मतलब कि इसको खोल के देखते हैं। फटाफट से खोलो भाई, ये देखो यहाँ पर जो है बॉक्स खुल रहा है और निकालते हैं इसके अंदर से स्लीपर क्लच असेंबली। और ये देखिए ये रही स्लीपर क्लच असेंबली, जैसे कि निकाल के दिखाते हैं हम आपको एक बार। ये देखो पैकिंग देख रहे हो कितनी बढ़िया आई है एकदम। और देखो मैं हर वीडियो में जैसे आपको बोलता हूँ कि जो क्लच प्लेट होती है फिट करने से पहले उसकी ऑयलिंग कर देना चाहिए। देखो क्लच असेंबली के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है, देख रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है ऑयल का होना। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे जो है क्लच असेंबली। दोस्तों जैसे ही मैंने क्लच को खोला आपको यहाँ पर नज़र आ गया, तो ये क्लच असेंबली है, ऑलरेडी इसमें स्लीपर क्लच लगा हुआ है। लेकिन कस्टमर का कहना था इसमें स्लीपर क्लच जैसा फील नहीं हो रहा जो होता है। और रियल में जब मैंने भी बाइक का जो क्लच दबाया था तो मुझे ही फील नहीं हुआ इसमें स्लीपर क्लच ये लगा हुआ है, ऐसा लगा जैसे कि नॉर्मल क्लच लगा हुआ हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इसके अंदर फिटिंग वो प्रॉपर नहीं हुई या फिर ये क्लच फिट में दिक्कत है। तो चलिए खोल के देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि नॉर्मल क्लच काम कर रहा है, स्लीपर क्लच लगा है फिर भी फील बहुत अजीब सा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर दिक्कत है, तो चलिए इसको खोलते हैं। और आज ये भी चेक करेंगे कि हम स्लीपर क्लच इसमें किस तरीके से फिट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए सबसे पहले यहाँ पे खोलेंगे 10 नंबर के बोर्ड, जैसे आपको नजर आ रहा है ये वाले। तो चलिए इसको खोलते हैं और फिर क्लच प्लेट को निकालते हैं और चेक करते हैं क्लच प्लेट में आखिर क्या दिक्कत है जो कि ये ढंग से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जो है स्लीपर क्लच असेंबली खुल रही है, लेकिन दोस्तों मैं खुद हैरान हो गया यहाँ पे, जैसे कि अख्तर भाई ने भी आपको बताया था कि इसके अंदर जो है स्लीपर क्लच लगा हुआ है। हम इतनी देर से देख रहे थे कि नॉर्मल क्लच होगा इसके अंदर, कस्टमर का भी यही कहना था कि भाई इसके अंदर स्लीपर क्लच लगा देना। तो फाइनली हमने जैसे ही खोल के देखा कवर, तो वहाँ पे देखा कि यार स्लीपर क्लच तो लगा हुआ है, लेकिन भाई कसम से भाई इसके अंदर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि हाँ इसमें स्लीपर क्लच है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्लीपर क्लच में क्या होता है, क्लच लीवर में बड़े आराम से स्मूथ दबता है और नॉर्मल में थोड़ा हार्ड दबता है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल हार्ड दब रहा था तो मज़ा नहीं आ रहा था। अब देखो यहाँ पर हमने देखा जैसे ही खोल के, तो यहाँ पर स्लीपर क्लच है, लेकिन दोस्तों पावर की बात करें तो इसमें ना पावर बिल्कुल भी नहीं आ रही। कस्टमर का सीधा यही कहना था कि भाई इसकी क्लच प्लेट देख लेना। तो एक बार ना हम आपको क्लच प्लेट दिखाएंगे कैसी हैं और आपको बताएंगे किस तरीके से आपको क्लच प्लेट फिट करनी है।
हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं स्लीपर क्लच के अंदर क्या क्या खराब हुआ है। इसके अंदर मतलब जो सेट है पूरा, जो गाड़ी में से निकाला, देखो ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो, देख रहे हो कितना ज्यादा कट रहा है। अब जो यहाँ पे कट चुका है तो इसे चेंज करेंगे, रखते साइड में। मतलब पूरी क्लच असेंबली आई हुई है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि देखो कट चुका है वो। और आप इस पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी जो है निशान आ रहे हैं, लाइनें आ रही हैं। तो ये वाला पार्ट है, ये भी चेंज होगा सेंटर। और ये देखो, ये इसकी क्लच प्लेट है। तो आप देख सकते हो ये जो क्लच प्लेट है कुछ इस तरीके से दिखती है। और देखो यहाँ पे जो सूखी चली है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये यहाँ से स्लिप मारी हुई है। तो कहीं से क्लच प्लेटें स्लिप मारी हुई है, जैसे अभी देखो यहाँ पे भी दिखा था। तो ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्लच, यहाँ पे स्लिप मारी हुई है, और इस तरफ से थोड़ी सी ठीक है, यहाँ से स्लिप मारी है। इसी की वजह से जो है दोस्तों बाइक के अंदर पिकअप नहीं आता है। और दोस्तों इसी वजह से जो है बाइक के अंदर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था स्लीपर क्लच लगा हुआ है या नहीं लगाया हुआ, तो पता ही नहीं लग रहा था इसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो है क्लच प्लेट खत्म हो चुकी है और पूरा का पूरा जो है सेट है वो खत्म हो चुका है। जैसे कि आपको ने अभी देखा था, हाफ सेंटर वगैरह दोनों कट चुके हैं। दोस्तों ये रही नई वाली क्लच असेंबली, जैसे कि आपको नजर, आज की वीडियो में हम आपको एक एक करके ही फिट करके दिखाएंगे। जो जर्क करेगा जब आप गाड़ी को उठाओगे चलाओगे, तो अगर आपने आधा क्लच को दबाया तो गाड़ी जो गड़गड़ ऐसे करेगी पीछे की तरफ से, चैन की तरफ से ऐसे लगेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम होती है क्लच जटरिंग, जिसे कहते हैं क्लच जटरिंग की प्रॉब्लम होना। इसलिए ध्यान रखें जब भी करें क्लच असेंबली फिट, हम आपके लिए इतनी बढ़िया वीडियो लेके आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी टेक्निकल नॉलेज लेके आते हैं। छोटे मोटे आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नॉलेज देते ही हैं, लेकिन आप लोगों के भाई चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। भाई आपका सिर्फ सपोर्ट ही तो चाहिए हमें, आपके सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना है, बस इतना सही तो काम करना है। बाकी देखो हम आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आते हैं भाई। तो दोस्तों चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो हब है इसको लगाते हैं इस तरीके से, देखो आराम से, ठीक है। तो आज आपको बड़े आराम से और तसल्ली से देखने को मिलेगा एक एक चीज। दोस्तों जैसे कि आपने देखा था, सबसे पहले एक बड़ी वाली वार्सल लगी थी, उसके बाद हमने जो है यहाँ पे हब को लगाया था, अब फिर एक वार्सल आएगी। फटाफट से भाई वार्सल को लगाओ, देखो वार्सल कुछ इस तरीके से लगेगी। तो ये लगानी है वार्सल आपको यहाँ पे, ये बैठी। दोस्तों जैसे ही वो वार्सल लग जाती है, उसके बाद यहाँ पे बोल्ड लगाना है। अब दिखाते हैं आपको क्लच प्लेट। तो सबसे पहले जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये है मास्टर प्लेट। तो सबसे पहले ये आएगी, कुछ इस तरीके से लगाना है इसे। तो यहाँ पे ये आराम से प्रॉपर बैठ चुकी है। अब लगाते हैं इसके बाद प्रेशर प्लेट। तो देखो ये है इसकी प्रेशर प्लेट, और इसमें भी सीधा उल्टा होता है, तो ध्यान रखें। ये देखो ऐसे कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हो उंगली पे लगा के, जहाँ पे आपको लगने के निशान आएगी वो हमेशा ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो ये प्रेशर प्लेट यहाँ पे बैठ गई, जैसे कि आपको नजर आ रहा है नॉर्मल प्लेट है, मतलब वो जो मास्टर प्लेट थी, ये दूसरी वाली क्लच प्लेट नॉर्मल क्लच प्लेट है जैसे। और ये है इसकी प्रेशर प्लेट, जैसे आपने पहले वाली प्रेशर प्लेट लगाई थी वैसे ही ये सारी की सारी जो है प्रेशर प्लेट लगानी है, लेकिन इसके अंदर एक चीज अलग है। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से सारी की सारी क्लच प्लेट लगेंगी। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट कंप्लीट बैठ चुकी है। अब आता है मेन मुद्दा, जिसमें की बहुत जरूरी है आपको देखना। जैसे की आप ये देख सकते हो, यह मास्टर प्लेट छोटी वाली, जैसे की एक अंदर गई थी और दूसरी बाहर आई थी। तो इसको लगाने का तरीका है थोड़ा सा अलग, तो आप दिखाते हैं। और इसके बाद जो है बैठाने का तरीका जो है, तो दो बाहर है मास्टर प्लेट, एक अंदर है मास्टर प्लेट, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से रखनी है आपको ये वाली यहाँ पे, और ये जो मैंने जैसे कि आपको बताया था खुदरा वाला जो बाहर की तरफ आएगा, तो उसको इस तरीके से लगाना बिल्कुल टाइमिंग के साथ। अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो आपने जो काम किया था ना वो खत्म, पूरा काम बेकार हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना आपको। देखो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको फिर। और दोस्तों इसको लगाने से पहले एक बार ये जो आपको ठेसी नजर आ रही है, जैसे कहते हैं क्लच ठेसी, तो इसे लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आराम से बैठ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब लगाते हैं फिर ये सेंटर। तो देखो इसको बैठाने का तरीका ये है दोस्तों, आप देख सकते हो। अगर आपने इस तरीके से क्लच असेंबली ये वाली बिठाई, तो यानी कि जो आपने काम किया था बेकार हो जाएगा। तो ध्यान रखना ऐसे नहीं बैठानी है। चलो अब दूसरे तरीके से दिखाता हूँ आपको कैसे बैठानी। अब दोस्तों जैसे कि आपको नजर आ रहा है क्लच प्लेट यहाँ पे इस तरीके से बैठा दिया, लेकिन देखो अभी भी ये प्रॉपर नहीं बैठी, ये भी गलत है। अगर देखो इस तरीके से अगर सेंटर आपका मूवमेंट करता है और ये प्रॉपर इसके अंदर गैप रहता है, तो इसका मतलब ये बैठा नहीं है और फिर से आपका जो है काम खराब हो गया है। तो अब मैं फिर दिखाता हूँ आपको किस तरीके से बैठता है। चलिए दोस्तों अब फाइनली मैं आपको बैठा के दिखाता हूँ। जैसे कि नजर आ रहा है ये प्रॉपर अच्छी तरीके से बैठ गई है, ये एक नंबर फिटिंग हो गई है मेरा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता था, ये जो है यहाँ पे पूरा सेट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल भी गैप नहीं है, और जो ये सेंटर होता है ना प्रॉपर एक खांचे में बैठना चाहिए प्रॉपर। जो प्रेशर प्लेट पीछे वाला जो हब है और सेंटर है, दोनों को इस तरीके से कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि बराबर जो खांचे होते हैं उनमें बैठ जाए, तभी जो है स्लीपर क्लच प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर आपने जरा सी भी गलती करी तो स्लीपर क्लच डालने का कोई फायदा नहीं रहेगा, और क्लच प्लेटें मिनट से पहले उड़ जाएंगी, कस्टमर भी परेशान और आप भी परेशान। और प्लस दोस्तों इसलिए ध्यान रखें, और ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों तक, और सेव करके जरूर रख लें अपने पास, ताकि आपके इन फ्यूचर में काम आएगी। अगर आपके पास बाइक आ जाती है, या अगर आपकी बाइक है तो आप इससे पता लगा सकते हो कि क्लच के अंदर दिक्कत है। अब लगाते हैं इसके अंदर स्प्रिंग। दोस्तों देख रहे हो मैं कितनी बढ़िया नॉलेज दे रहा हूँ आपको, आप होकर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच कर दे, ठीक है। दोस्तों अब लगाते हैं इसके अंदर पत्ती, जैसे कि आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पे पत्ती लगेगी, और मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था जो इसका टॉर्क लगाने का तरीका वो मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहना दोस्तों वीडियो के अंदर, वो जरूर आपको बताने वाला हूँ कि इसका टॉर्क कैसे लगाते हैं और इसको कैसे टाइट करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो है हम बोल्टों को बराबर बराबर टाइट करने, अब आपको बताता हूँ किस तरीके से
अटैक करना। देखो ये एक ये किया, दूसरा वाला फिर ऐसा करेंगे, यानी कि मैंने सबसे पहले क्या किया था, तीनों को बिल्कुल बराबर करके मिला लिया था, उसके बाद अच्छी तरीके से इसमें टॉर्क लग रहा है, आप देख सकते हो ये देखो, और टॉर्क भी हिसाब से लगाए, इतना ज्यादा ना लगाए कि बोल्ट टूट जाए। ठीक है तो यहाँ पे जो है क्लच प्लेट का काम होता है कम्प्लीट। जैसे ही क्लच असेंबली का काम हो जाता है तो ये नहीं तुरंत आप इसके अंदर क्लच कवर लगा दो, सबसे पहले आपको क्लच लीवर दबाना और चेक करना है कि क्लच काम कर रहा है नहीं कर रहा। दबा भाई, तो देखो अक्टर भाई वहाँ पे क्लच दबाएंगे ऊपर, और ये देखो देख रहे हो, ये प्रॉपर क्लच जो है काम कर रहा है यहाँ पर। तो हमने इसके अंदर पहले वाले क्लच के अंदर चेक किया था ना, तो उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा थी, हार्डनेस था बहुत, और बहुत ज्यादा ऊपर ना हार्डनेस था। अब देखो कितना ऊपर सॉफ्ट दब रहा है, और यहाँ पे जो क्लच की मूवमेंट है क्लच असेंबली की वो भी बहुत बढ़िया है, तो इसी वजह से पता लग रहा है जो हमारे क्लच का काम है अच्छा हुआ है। बाकी तो हम गाड़ी को चलाएंगे, चेक करेंगे और कस्टमर से भी पूछेंगे स्लीपर क्लच का जो काम हुआ है कैसा हुआ है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे जो हमारे स्लीपर क्लच का काम था कम्प्लीट होता, मुझे नहीं लगता वो आप लोगों तक दिखाना चाहिए, क्योंकि पूरी जो वीडियो हो गई यहाँ पे कम्प्लीट हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्लच कवर लगाना, बाइक को स्टार्ट करना और स्लीपर क्लच का काम खत्म। लेकिन दोस्तों मैंने क्या करा, पूरे 30 के 30 दिन वीडियो बनाई है, लेकिन जो आपका सपोर्ट है थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन आपने टीवीएस अपाचे में तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया। लेकिन तो सारी की सारी वीडियो को आप देखा करो और जल्दी जल्दी मेरे चैनल के ना सब्सक्राइब को बढ़ाने की कोशिश करो, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आऊंगा जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, टेक्निकल नॉलेज, जैसे कि मैं जो लोग बोलते थे ना भैया डिटेल में बनाओ, इससे ज्यादा डिटेल में भाई क्या बना पाऊंगा, मतलब बहुत कोशिश करी थी मैंने प्रॉपर अच्छी तरीके से डिटेल में बनाने की, और बनाई भी है वाली वीडियो। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ गई तो चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तक जल्दी पहुंच सके। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।